पंच केदारों में प्रतिष्ठित द्वितीय केदार मदमहेश्वर मंदिर के कपाट शुभ मुहूर्त में विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। इसी अवसर पर मंदिर को सजाया गया था। कपाट बंद होने के बाद भगवान मदमहेश्वर जी की उत्सव डोली और देव निशानों ने स्थानीय वाद्य यंत्रों ढोल दमाऊ सहित बाबा मदमहेश्वर के जय उद्घोष के साथ प्रथम पड़ाव गोंडार का प्रस्थान किया। इस अवसर पर 250 से अधिक श्रद्धालु मौजूद रहे। BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। कपाट बंद से एक दिन पहले श्री मदमहेश्वर मंदिर में यज्ञ हवन किया गया था। उसके बाद आज 4:30 बजे मंदिर खुल गया था। पूजा के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान मदमहेश्वर के दर्शन किए। उसके बाद मंदिर गर्भगृह में कपाट बंद की प्रक्रिया शुरू हुई। भगवान मदमहेश्वर के स्वयंभू शिवलिंग को श्रृंगार रूप से समाधि स्वरूप में ले जाया गया। शिवलिंग को स्थानीय पुष्पों फूल पुष्पों अक्षत से ढक दिया गया। इसके बाद पुजारी टी गंगाधर लिंग ने प्रभारी अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान उपस्थिति में शुभ मुहूर्त में मंदिर के कपाट बंद किए। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट।